गुड मॉर्निंग एवरीवन, वी आर सेकंड ईयर भूगोल का शिक्षण शास्त्र। हमने पाठ्यक्रम का अर्थ पढ़ लिया था, परिभाषाएं पढ़ ली थी, विशेषताएं पढ़ ली थी। अब हम पढ़ लेंगे पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत कि जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो उसको निर्माण करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। अगर हम पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत को देखें, पाठ्यक्रम का अर्थ जैसे मैंने आपको बताया था, अगर नहीं किया तो मैं वापस एक बार बता देती हूँ। पाठ्यक्रम पाठ्य प्लस कर्म, पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ना और कर्म का अर्थ होता है व्यवस्था पूर्वक। तो व्यवस्थित ऐसे विषय वस्तु जो व्यवस्थित क्रम में पढ़ी जा सके, पढ़ाई जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम कहते हैं। पाठ्यक्रम लैटिन भाषा के क्यूरर शब्द से बना है, इंग्लिश में इसको कैरिकुलम कहते हैं, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। कि जिस तरीके से धावक मैदान की दूरी पूरी करता है दौड़कर, उसी तरीके से पाठ्यक्रम पढ़कर एक छात्र भी पाठ्यक्रम पढ़कर एक वर्ष का पाठ्यक्रम, दो वर्ष का पाठ्यक्रम, जो भी निर्धारित है पाठ्यक्रम का यह, वो पाठ्यक्रम पढ़कर तो उतने ही उसको पूरी करता है, उस दूरी को पूरी करता है, उस पाठ्यक्रम को पूरा करता है। शिक्षण प्रक्रिया के तीन महत्वपूर्ण अंग बताए थे, छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम उसमें महत्वपूर्ण अंग होता है क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है, त्रिमुखी होती है। शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं है तो भी शिक्षण प्रक्रिया नहीं चल सकती है सुचारू रूप से, और अगर पाठ्यक्रम में छात्र नहीं, शिक्षक नहीं है तो पाठ्यक्रम को समझाएगा कौन, उसकी भी दिक्कत आती है। शिक्षक के पाठ्यक्रम में लेकिन छात्र नहीं है तो पाठ्यक्रम पढ़ेगा कौन। तो इसलिए तीनों ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं शिक्षण प्रक्रिया के, जैसे पाठ्यक्रम एक महत्वपूर्ण अंग होता है। तो पाठ्यक्रम निर्माण के जो सिद्धांत है, पहला पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत है पर्यावरण केंद्रीयता, पर्यावरण केंद्रीयता का सिद्धांत। अब पर्यावरण केंद्रीयता का सिद्धांत अगर हम लेते हैं तो भूगोल का जो पाठ्यक्रम है वो कहीं ना कहीं पर्यावरण से संबंधित होना चाहिए। क्यों संबंधित होना चाहिए पर्यावरण से, क्योंकि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें हम वातावरण का, मौसम का, जलवायु का, जल का, वर्षा का, पृथ्वी का, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, वन क्षेत्र का, वनों का, जीव जंतुओं का। तो ये सारे ही किसके अंतर्गत आते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। बालक को पता होना चाहिए कि जिस वातावरण में या जिस क्षेत्र में वो रह रहा है उस क्षेत्र का वातावरण कैसा है, और वहाँ की जो आकृति है उस स्तर की या उस गांव की, वो किस तरीके, कितने क्षेत्र में वो गांव फैला हुआ है, क्या मापतोल होना चाहिए जमीन मापने का, वहाँ पर जल की व्यवस्था किस आधार पर है, कितनी नदियाँ हैं, तालाब हैं, झीलें हैं, वर्षा का टाइम क्या रहता है, वर्षा किस तरीके से होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, मिट्टी कैसी है, उपजाऊ है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती है, पर्यावरण के अंतर्गत आती है। तो पर्यावरण का ज्ञान करना है या पर्यावरण केंद्रता को, पर्यावरण को वह केंद्र मान के ध्यान में रखना जरूरी है। तो पाठ्यक्रम निर्माण करते समय पर्यावरण से संबंधित रिलेटेड टॉपिकों को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे हम बालक को पूरे देश का या पूरे राज्य का नहीं, कम से कम उसके क्षेत्र का जहाँ पे वो रह रहा है तो उस चीज़ का तो उसको अध्ययन या उस चीज़ की तो उसे जानकारी प्राप्त हो और वो उस चीज़ से अवगत हो कि हाँ हमारे मेरे क्षेत्र का वातावरण या मैं जिस जगह पे रह रहा हूँ उस जगह का वातावरण इतना है, वहाँ की जलवायु ऐसी है, वर्षा इतनी होती है, उपजाऊ मिट्टी है, ये सारी चीज़ों का ज्ञान उसे कहीं ना कहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस एटमोसफेयर में या जिस वातावरण में वो रह रहा है उस वातावरण का ज्ञान होना उस बालक को अनिवार्य है। जैसे ओजोन परत है, ग्रीन हाउस है, इनका क्या प्रभाव पड़ रहा है पृथ्वी के ऊपर, इफेक्टेड क्या हो रहे हैं, किस तरीके से जब पृथ्वी पर इफेक्ट हो रहा है तो मनुष्यों पर भी इफेक्ट कर रहा है, तो इसका क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सारी ही चीज़ों की जानकारी बालक को होनी चाहिए। तो पर्यावरण केंद्रीयता का सिद्धांत पर हम लिखेंगे कि पर्यावरण महत्वपूर्ण घटक है, पर्यावरण महत्वपूर्ण घटक है जो कि मानव जो कि मानव
गतिविधि प्रत्येक गतिविधि को प्रभावित करता है। पाठ्यक्रम न केवल भौतिक व सांस्कृतिक पर्यावरण का ज्ञान कराने संबंधी तथ्यों का उल्लेख होना चाहिए बल्कि पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन पर भी बल देना चाहिए। मतलब पर्यावरण में जब हम ज्ञान करा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ भौतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण में ज्ञान कराना चाहिए, बल्कि पर्यावरण संरक्षण सबसे महत्वपूर्ण चीज, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन, बल्कि किस तरीके से हम अपने ग्रीन जो वो झगड़ा है, तापमान बढ़ रहा है पृथ्वी का, उसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा हरियाली होनी चाहिए, पेड़ पौधे ज्यादा लगाने चाहिए, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, वनों को काटना नहीं चाहिए अपने स्वार्थ के लिए कि वहाँ पर फैक्ट्रियां खड़ी कर दें और पूरे वन के वन हम नष्ट कर दें लकड़ियों के लिए कि लकड़ियाँ हमें प्रयोग में लेंगे तो हम उसके लिए पूरे पेड़ के पेड़ काट दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। संरक्षण बहुत जरूरी है क्योंकि पर्यावरण क्या, हम ये कह सकते हैं कि वन क्षेत्र अधिक से अधिक होंगे तो हमें ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जितनी मात्रा बढ़ती जाएगी उतना पृथ्वी का ताप भी बढ़ता जाएगा। दूसरा पॉइंट आएगा पर्यावरण समाज केंद्रित का सिद्धांत, क्या आएगा सेकंड पॉइंट समाज केंद्रियता का सिद्धांत। जब पाठ्यक्रम निर्माण कर रहे हैं समाज केंद्रियता का सिद्धांत, जब भी हम पाठ्यक्रम निर्माण कर रहे हैं तो हम क्या देखते हैं कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, किसी विषय का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बालक में नैतिक गुणों का विकास कर सके, बालक में जब वो उस पाठ्यक्रम को पढ़ रहा है तो वो अपना रोजगार अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सके, जीवन यापन के लिए होना चाहिए पाठ्यक्रम, दैनिक जीवन में उपयोग आ रहा है ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो समाज केंद्रित का सिद्धांत कि समाज में जब हम अध्यापक को समाज में एक बहुत ही अच्छी दृष्टि से देखा जाता है, देखा जाता है कि ये क्या करता है, भविष्य का निर्माण करता है। तो जो शिक्षक जो पाठ्यक्रम पढ़ा रहा है वो पाठ्यक्रम कहीं ना कहीं बालक के भविष्य में काम में आने वाला जरूर होना चाहिए, जिससे बालक में नैतिक गुणों का, धार्मिक गुणों का, हम ये कह सकते हैं उसका आचरण, सारी चीज़ों का अपने स्वयं ही कहीं ना कहीं विकास हो जाए। क्योंकि जब अच्छे रोजगार प्राप्त हो जाते हैं, बालक अच्छा जीवन जीने लग जाता है, रोजगार उसको अच्छा मिला हुआ है, तो ये सारे गुण अपने आप ही स्वयं ही विकसित हो जाते हैं। अच्छा रोजगार नहीं मिला है, गलत आदतों में पड़ गया है तो क्या होगा, कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव उसके जीवन के ऊपर, उसके आचरण के ऊपर सब पर ही पड़ता है। तो भूगोल का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि उससे
अधिक अधिका अधिक लाभ हो सके, क्योंकि क्योंकि प्रत्येक प्रत्येक समाज यह अपेक्षा करता है, अपेक्षा करता है कि जिस बालक को वह बड़ा रहा है, वह भविष्य में शिक्षा पूर्ण करने के बाद उस समाज की उन्नति समाज की उन्नति में सहायक सिद्ध होगा। मतलब सेकंड पॉइंट है कि जब भी हम समाज में किसी पाठ्यक्रम को पढ़ा रहे तो समाज का हर व्यक्ति या हर कोई यही उस बालक के लिए अपेक्षा करता है कि जब भी बालक उस जिस भी पाठ्यक्रम को पढ़ रहा है तो वो क्या करेगा, भविष्य में शिक्षा पूर्ण करने के बाद उस समाज की उन्नति में सहायक सिद्ध होगा। इन बातों पर सबसे ज्यादा मेन फोकस करा जाता है। फिर थर्ड पॉइंट आएगा हमारा उद्देश्य एवं लक्ष्यों की उद्देश्यों व लक्ष्यों की लक्ष्यों को दृष्टि में रखने का सिद्धांत। जब उद्देश्यों व लक्ष्यों को दृष्टि में रखने का सिद्धांत की जब भी हम पाठ्यक्रम निर्माण कर रहे हैं कि बालक के उद्देश्य क्या है और बालक किस लक्ष्य में पहुंचना चाहता है, इन दोनों ही चीज़ों को अपनी दृष्टि में ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए, जिससे बालक भी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके और अध्यापक के भी उद्देश्य की पूर्ति हो सके। भूगोल पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे शिक्षण अधिगम के लक्ष्यों व उद्देश्यों को प्राप्त किया जाना संभव हो सके यदि पाठ्यक्रम सभी बिंदुओं पर खरा नहीं उतरता है तो फिर
पाठ्यक्रम निर्माण करने में कोई औचित्य नहीं है। मतलब अगर शिक्षण व्यतीतम के लक्ष्यों को वे उद्देश्यों को प्राप्त किया जाना संभव हो सके किसी भी पाठ्यक्रम से तो पाठ्यक्रम सही है। अगर पाठ्यक्रम सभी बिंदुओं पर खरा नहीं उतरता है, मतलब लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है, उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती है, तो क्या होगा? पाठ्यक्रम का निर्माण करना या पाठ्यक्रम बनाना कोई औचित्य नहीं होगा उसका। वो पाठ्यक्रम जीवन के लिए या बालक के लिए कहीं किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं होगा, उसका कोई भी औचित्य नहीं होगा। इसलिए पाठ्यक्रम निर्माण करते समय सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमें पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है आपका उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता का सिद्धांत, पाठ्यक्रम निर्माण करते हैं तो पाठ्यक्रम उपयोगी होना चाहिए कि जीवन में उपयोग आने वाला होना चाहिए, व्यवसाय प्राप्त कराने वाला होना चाहिए, भविष्य में ज्यादा से ज्यादा बालक उस पाठ्यक्रम को पढ़कर पैसा कमा सके, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जिससे बालक भी संतुष्ट हो जाएगा उस पाठ्यक्रम को पढ़कर। पाठ्यक्रम की भी एक मान्यता दे जाएगी क्या ये पाठ्यक्रम पढ़ के हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो इसलिए पाठ्यक्रम में उपयोगिता का सिद्धांत होना अनिवार्य, मतलब करके सीखने का ज्यादा से ज्यादा उपयोग होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम ऐसा हो कि वह बालक के भावी जीवन निर्वाह हेतु उपयोगी सिद्ध हो सके वह अपनी आजीविका कमाने में समर्थ हो सके। आप सत्य बीएड कर रहे हैं, जब आप बीएड कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? टीचर बनने के लिए कर रहे हैं। जब हम बीएड का पाठ्यक्रम पढ़ लेंगे तो हम क्या करेंगे? एक डिग्री प्राप्त कर लेंगे बीएड की और हम टीचर बन सकते हैं। जब हमने बीएड का पाठ्यक्रम पढ़ लिया तो बीएड का पाठ्यक्रम क्या देगा हमें? आजीविका। क्या देगा हमें? आजीविका। भावी जीवन निर्वाह हेतु हमें उपयोगी होगा हमारे लिए कि हम भविष्य में कभी भी इस पाठ्यक्रम से, इस डिग्री के माध्यम से, चाहे प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट कहीं पे भी कमा सकते हैं, जीवन निर्वाह कर सकते हैं, आजीविका कमाने में समर्थ है ये पाठ्यक्रम। तो इसलिए पाठ्यक्रम उपयोगी होना अनिवार्य है। फिर फिफ्थ पॉइंट है क्रियाशीलता का सिद्धांत। फिफ्थ पॉइंट है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत में कि भूगोल का पाठ्यक्रम है तो करके सीखने पे आधारित होना चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा हम कार्य को बालक को अभ्यास करा के या कार्य कराकर सिखा सकते हैं उतना हम व्याख्या देके, व्याख्यान के माध्यम से, पाठ पढ़ा के, रीडिंग के माध्यम से, प्रश्न उत्तर के माध्यम से, इन चीजों से हम उतना नहीं सिखा सकते हैं। तो इसलिए क्रियाशीलता का सिद्धांत पाठ्यक्रम में होना अनिवार्य है। भूगोल के पाठ्यक्रम के
माध्यम से बालक के कार्य करने की प्रवृत्ति को और अधिक बल मिलना चाहिए। उससे कई प्रकार के कार्य कराए जा सकते हैं, जैसे चित्र रेखा चित्र मिट्टी से मॉडल बनवाना भित्ति चित्र फिर नमूने एकत्र कराना माप तोड़ का कार्य आदि। मतलब क्या चिंतन का सिद्धांत जब हम पाठ्यक्रम बोर्ड के पाठ्यक्रम में करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, कार्य करने की प्रवृत्ति को और अधिक बल देते हैं। जब और अधिक बल देते हैं तो हम क्या क्या कार्य करा सकते हैं, चित्र बनाना, रेखा चित्र बनाना, मिट्टी के मॉडल बनवाना, भित्ति चित्र, नमूने एकत्र कराना और मापतोल का कार्य भी हम करा सकते हैं। फिर 6 पॉइंट है आपका लचीलेपन का सिद्धांत। देखो जो भी पाठ्यक्रम हुए समय के अनुसार उसमें परिवर्तन होना जरूरी है, क्योंकि समय के अनुसार जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी कई सारे चेंजेस आएंगे पर्यावरण में, वातावरण में भी, तो उसके साथ में हम पाठ्यक्रम में उन चीज़ों को जोड़ना भी जरूरी है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 1857 की क्रांति जब हम पढ़ा रहे थे, 1857 की क्रांति 2025 से 2030 तक भी ऐसे भी सेम चलेगी। उस पार्ट को कम करके 1857 क्रांति होती क्या है, सिर्फ उसको कम करके हम क्या कर सकते हैं, उसके अंतर्गत जो और नए युद्ध हो रहे हैं और कई सारी नई घटनाएं हो रही हैं किसी भी चीज़ को लेकर, हम उनको भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करना जरूरी होता है, नवीन ज्ञान बालक को देना जरूरी है। अगर नहीं देंगे तो क्या होएगा, बालक का ज्ञान कहीं ना कहीं पिछड़ा हो जाएगा, वो नई चीज़ों से अवगत नहीं होगा। इसलिए लचीलेपन का सिद्धांत या लचीलापन होना पाठ्यक्रम में समय के अनुसार चेंजेस करना बहुत अनिवार्य है। तो पाठ्यक्रम कितना भी अच्छा क्यों ना हो परंतु उसमें समय तथा परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन करना अनिवार्य है, जिससे बालक वर्तमान ज्ञान से
फरिश्ते फरिश्ते हो सके, मतलब चेंजेस करने का नियम, समय समय पर चेंजेस करने का नियम पार्टिकल में होना अनिवार्य है। और लास्ट पॉइंट बचता है कि बाल केंद्रित का सिद्धांत। जब पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं तो पाठ्यक्रम किसके लिए बना रहे हैं? बालकों के लिए। बाल केंद्रित का सिद्धांत, पाठ्यक्रम वाले के लिए, शिक्षक वालों के लिए है। तो पाठ्यक्रम का निर्माण कर सकता मैं बालक के लिए भी, अध्यापक है तथा बालक के लिए ही पाठ्यक्रम होता है। इसलिए बालक की रुचि आवश्यकता क्षमता योग्यता विभिन्नता आर्थिक स्तर आदि का ध्यान रखना अनिवार्य होता है। मतलब बाल केंद्रित का सिद्धांत है तो बालक की रुचि योग्यता क्षमता विभिन्नता आर्थिक स्तर सभी को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। तो मैंने आज आपको पढ़ाया पाठ्यक्रम के सिद्धांत। आज आपका गृहकार्य प्रश्न है, पाठ्यक्रम